नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सियासी खेल का अब फाइनल मैच खेला जा रहा है। जी हां, दोनों खेमों ने अपने पत्ते सामने रख दिए हैं। मातोश्री में बैठक के बाद शिवसेना सीएम पर अड़ी है। बैठक में उद्धव ने साफ कहा है कि उन्हें वादे के मुताबिक अपना हक चाहिए और उनके सामने हर तरह के रास्ते खुले हैं। हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं कि शिवसेना के सारे विधायकों को मुंबई के एक गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। तो उधर बीजेपी वेट एंड वॉच पर अमल कर रही है। बीजेपी फडणवीस को ही सीएम बनाएगी लेकिन शिवसेना को पहले मनाएगी। यानी कि बीजेपी लगातार कोशिश यही कर रही है कि शिवसेना किसी तरह से मान जाए, लेकिन वो ये भी चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने रहे महाराष्ट्र के। लेकिन इस बीच शिवसेना ने अपने तेवर लगातार कड़े किए हुए हैं और अब इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर तमाम विधायकों की बैठक चल रही थी। मीटिंग में क्या हुआ, शिवसेना का सीएम होना चाहिए, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है। मीटिंग के जो प्रमुख बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें शिवसेना की तरफ से कहा गया है, हम तय समझौते से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। यानी ढाई ढाई साल की बात हुई थी, 50-50 की बात हुई थी कि ढाई साल शिवसेना का सीएम हो और ढाई साल बीजेपी का सीएम हो, इसी पर शिवसेना अड़ी हुई है। शिवसेना भी यही बोल रही है कि मुख्यमंत्री हमें देवेंद्र फडणवीस को लेकर के किसी तरह का विवाद नहीं है, उनसे किसी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पहले तय हुआ था कि ढाई साल सीएम शिवसेना का हो और ढाई साल बीजेपी का, उसी पर अमल करना होगा। तीसरी अहम बात देखिए, चौथी अहम बात, कोई किसी को हल्के में नहीं ले सकता। बीजेपी नेताओं के साथ सीधी बात नहीं हुई, ये भी साफ कह दिया है उद्धव ठाकरे ने। इस मीटिंग में जो बात सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं के साथ कोई भी डायरेक्ट बात नहीं हुई है। और इस बीच राज्यपाल से मिलने के लिए बीजेपी पहुंच चुकी है, राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। अब यहां पर ये देखना होगा कि दरअसल आखिरकार क्या तस्वीर निकल कर आ रही है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, राज्यपाल से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता। आपको बता दें कि पहले ही शिवसेना नेता मिल चुके हैं राज्यपाल से। इस बीच राज्यपाल से अब बीजेपी नेता भी मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली का भी दौरा हो चुका है देवेंद्र फडणवीस का, लेकिन यहां से भी जब कुछ तस्वीर साफ नहीं हुई। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि जल्द ही चेहरा सामने आएगा। कमलेश सुतार राजभवन में हमारे साथ जुड़ गए हैं राजभवन से, और साथ ही साथ मातोश्री से हमारे साथ जुड़ गए हैं साहिल जोशी। सबसे पहले हम कमलेश आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी के तमाम नेता अब पहुंचे हैं राज्यपाल के शरण में, इससे पहले शिवसेना के नेता वहां पर पहुंचे थे। क्या लगता है वहां से कोई सरकार बनाने की चाबी या कोई फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा? जी श्वेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को लेकर कायम है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में सरकार नहीं बनाएंगी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करेंगी। लेकिन बावजूद इसके कल जिस तरह से ऐलान किया गया था, आज भारतीय जनता पार्टी के आला नेता यानी कि राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार और आशीष शेलार, ये तीनों इस वक्त राज्यपाल से मिल रहे हैं और राज्य की स्थिति पर उन्हें जानकारी देंगे। इस बात की जानकारी भी दी जाएगी कि देवेंद्र फडणवीस को बतौर उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर, विधायक दल का नेता चुना है, और भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। अब इसके बाद में शिवसेना के लिए इंतजार रहेगा, कल का दिन एक और बचा है। इसके बीच अगर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के बीच में कोई बातचीत होती है, कोई जरिया निकलकर सामने आता है, तो उसके बारे में भी अप्रेस किया जाएगा राज्यपाल को। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता मिल रहे हैं और इस बात को तो लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अल्पमत के सरकार बनाने के मूड में नहीं है। जब ये नेता मिलकर बाहर आएंगे, जानकारी देंगे, तब पता चलेगा कि आखिर उनकी क्या बात हुई, किस चीज को लेकर आखिर ये बैठक थी और भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी। बिल्कुल, यहाँ साहिल आपसे जानना चाहेंगे, अभी भी बैठक खत्म हुई है, वहां से आपको क्या जानकारी मिल रही है, कहाँ गए? क्योंकि पहले यह बताया जा रहा था कि तमाम जो विधायक है वो गेस्ट हाउस शिफ्ट किए जाएंगे, किसी होटल में शिफ्ट किए जाएंगे, कहाँ ले गए, कोई जानकारी? देखिए, उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को साफ किया है कि कोई भी किसी भी तरीके से अफवाहों पर भरोसा ना रखे। शिवसेना इस बात पर कायम है कि जो तय हुआ था वो उन्हें मिलना चाहिए। एक बात और उन्होंने विधायकों को कही कि हमारे पास बाकी ऑप्शंस भी ओपन है, बाकी पर्याय हमारे पास है, लेकिन वो हम फिलहाल नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन जो तय हुआ था वो कम से कम हमें मिलना चाहिए, इस बात पर वो कायम है, ये बात उन्होंने विधायकों को कही है। दूसरी बात,
जो मुंबई के बाहर से आने वाले विधायक हैं उनको कहा गया है कि वो मुंबई में रहे और मुंबई के रंगशारदा होटल में उनको रहने के लिए कहा गया है, उनकी व्यवस्था वहाँ पर की गई है, वो वहाँ पर रहेंगे। ये उनको कहा गया है कि कब तक रहना पड़ेगा उसकी कोई गारंटी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन कम से कम 12 तारीख तक ये सारे विधायक यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि किसी भी वक्त मीटिंग के लिए उन्हें वापस बुलाया जा सकता है, ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए वहाँ पर उनको रखा गया है। अहम बात ये है यहाँ पर कि बार बार उद्धव ठाकरे उनको ये कह रहे हैं कि जो लोग किसी को एक कोई भी किसी को ये ना देखे कि उनके हाथ में सारी चीजें हैं, जिस तरीके से उदयन राजे भोसले चुनाव हारे, बिल्कुल, यानी कि किसी भी तरह से अपने आप को कम नहीं आंक रही है। शिवसेना साफ तौर पर बीजेपी को भी चेता रही है कि आप भी देख लीजिए स्थिति फिलहाल क्या है, इसलिए इतना बढ़ चढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है। बने रहे दोनों आप हमारे साथ। बैठक के बाद आपको बता दें कि शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार ने बताया कि आखिर उद्धव ठाकरे ने कहा क्या है। आज यही फैसला ले गया कि उद्धव जी जो फैसला लेंगे वो सबके लिए अंतिम रहेगा। आज बीजेपी ने कहा है कि वो शिवसेना के सिवा किसी के साथ सरकार नहीं बनाना चाहती, ऐसे में शिवसेना का क्या मत है? शिवसेना का मत यही है कि जो पहले ठहराव हुआ है वो ठहराव के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पद है इसके ऊपर तो बवाल अभी भी बना हुआ है। ढाई साल शिवसेना टस से मस बिल्कुल नहीं होने वाली है, लेकिन बीजेपी जो आज सॉफ्टनिंग का स्टांस दिखा रही है उसको देखकर आप क्या कहेंगे? ढाई साल इसके सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं, ढाई साल अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या? ढाई साल नहीं तो पांच साल, ढाई साल नहीं तो पांच, इसके अलावा नहीं मानेगी कुछ भी नहीं, ढाई साल नहीं तो पांच साल पक्का। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने आज क्या क्या करा? कोई ढाई साल और पांच साल। अच्छा, कितनी देर तक मीटिंग हुई आज? एक तास, एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा। तमाम लोगों का यही कहना, तमाम आमदारों का यही कहना है कि उद्धव साहब जो निर्णय लेंगे वो अंतिम रहेंगे। कांग्रेस एनसीपी के साथ भी जा सकती है, शिवसेना इसके भी साथ जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा बयान है यहाँ पे, कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। और आज दिन भर शिवसेना और बीजेपी के नेताओं की तरफ से किस तरह की बयानबाजी हुई है ये आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस जी है और मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस जी उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार है, ये उनके पार्टी का अधिकार है, ये उनकी पार्टी की भूमिका है। देवेंद्र जी के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, देवेंद्र के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन ये आप हमारी जो सच और झूठ की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है। बाकी बीजेपी के सभी नेता सभी मंत्री सालों साल हम एक साथ काम करते हैं, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता सबसे अच्छा रहेगा और है, लेकिन ये महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला है। ये देख रहे हैं उन्होंने देवेंद्र जी को शिवसैनिक माना है तो हम तो यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। आप ही कहते हो कि देवेंद्र जी शिवसैनिक है तो फिर आप क्या प्रश्न उपस्थित हुआ है? देवेंद्र जी के रूप में अगर शिवसेना भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है तो आपका उतना ही हक है जितना हमारा हक है। देवेंद्र जी को आपने शिवसैनिक माना है बस, तो यही गुड न्यूज है, आप मान दो जनादेश। ये शिवसेना भाजपा आरपीआई और मित्र पार्टियों को है और हमारा साथ में ये भी विश्वास है। इसके पहले भी ऐसी समस्याएं उपस्थित हुई थी मगर सारी समस्याओं का निराकरण इसके पहले एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार हुआ है। तो कोशिश करने वाले की हार नहीं होगी, महायुति की सरकार बनेगी, अभी तक तो बिखरा नहीं है। और हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, कमलेश सुथार और साहिल जोशी। साहिल, फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है, बीजेपी राज्यपाल से जरूर मिलने के लिए गई है बीजेपी के नेता, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि वो अपने से खुद कुछ फॉर्मूला निकाल पाएगी, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स पर अडिग है, अड़ी हुई है। इधर शिवसेना ने जो स्टैंड लिया है, इससे पहले जितने भी बार इलेक्शंस में हमने देखा, पिछले बार से और इस बार में बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। इस बार शिवसेना किसी हाल में डिगने को तैयार नहीं है। देखिए, शिवसेना का कहना पहले से यही रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस इस बात को मान ले कि हाँ ये बात तय हुई थी, इस बारे में चर्चा हुई थी, तो आगे की बातचीत हो सकती है। जिस तरीके से उनका पूरा जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर है कि देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया कि मुख्यमंत्री पद ढाई ढाई साल या सत्ता का समान बंटवारा, इस तरीके की बात हुई ही नहीं थी। इस बात को लेकर शिवसेना कहीं ना कहीं खफा है और इसी के वजह से शिवसेना ने बातचीत का रास्ता बंद कर दिया था। रही बात अब ऑप्शंस की, अब शिवसेना चाहती है कि बीजेपी बनाए, अपने बलबूते पर सरकार बनाने की कोशिश करे। अगर अल्पमत में सरकार बीजेपी बनाएगी तो शिवसेना को पता है कि इस बार एनसीपी या कांग्रेस से उन्हें समर्थन नहीं मिलने वाला। ऐसे में शिवसेना को मौका मिल जाएगा
कि एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस को साथ लेकर अपनी सरकार वो यहाँ पर बना सकती है और बीजेपी उन्हें यह मौका नहीं देना चाहती। और इसी वजह से बीजेपी बार बार ये साफ कर रही है कि वो अल्पमत की सरकार नहीं बनाएगी। 9 तारीख खत्म होने के बाद गवर्नर को आखिरकार सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर फिर भी बात नहीं बनती तब जाकर राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। फिलहाल समय काटने का वक्त चल रहा है और अगर सबसे पहले पलक कौन झपकाता है ये सबसे पहली बिल्कुल तो बीजेपी यहाँ कहीं ना कहीं टाइम बाय करने की कोशिश कर रही है। कमलेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये गए तो हैं बीजेपी के तमाम नेता राज्यपाल के पास, लेकिन अंदर से क्या कुछ खबरें सामने आ रही है? आखिर किस सोच, किस मंशा के तहत? क्योंकि अल्पमत की सरकार बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो नहीं बनाएगी और इधर बात नहीं बन रही। जी, पिछले दो दिनों से श्वेता अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फीलर दिए जा रहे थे शिवसेना को। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो बातचीत बंद थी, परसों जो मीटिंग हुई कोर कमेटी की, उसमें यह निर्णय लिया गया कि शिवसेना के साथ बातचीत के दरवाजे फिर से खोले जाए। और हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया कि शिवसेना जो भी मांगे कर रही हो बैठक के लिए आए, चर्चा के लिए सामने आए, बात तो होनी चाहिए, बात नहीं करेंगे तो उसके सिवा बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं यह रुख अपनाया था, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना ने यही एक शिवसेना ने एक ही मांग को लेकर अपनी बात पर अड़ी रही शिवसेना कि मुख्यमंत्री पद पर पहले चर्चा हो, बाकी खातों के बारे में, बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में बाद में चर्चा होगी। इसके लिए चर्चा आगे नहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से वाकिफ है कि शिवसेना आगे जाकर खुद सरकार नहीं बनाएगी और वो मौका भी शिवसेना को नहीं देना चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस बात को लेकर अड़ी है और इस बात को लेकर उनकी यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम सरकार बनाएंगे, साथ में महायुति की सरकार बनेगी, ग्रैंड अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। और इसलिए आज राज्यपाल से मिलकर उन्हें इसी बात को अवगत कराया जाएगा कि जो मैंडेट मिला है, जो जनादेश मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मिला। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और फिलहाल जिस स्थिति में शिवसेना से बातचीत चल रही है, शायद और समय मांगा जा सकता है क्योंकि कल जो है टाइम खत्म हो रहा है, कल पहली असेंबली जो है 2014 की, कल उसका समय समाप्त हो रहा है, उसके बाद में राज्यपाल एक्शन में आ जाएंगे, उसके पहले उनको इस बात से अवगत किया जाएगा, कराया जाएगा कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को भले ही अलायंस मिला, फिलहाल वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और शायद और वक्त मांग सके। बिल्कुल, लेकिन कमलेश, फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आई है इसमें एक डेडलॉक है, उस डेडलॉक को कैसे खत्म किया जाए ये समझना जरा मुश्किल हो रहा है। चूंकि आप वहां पर ग्राउंड पर हैं, आप बेहतर जान रहे हैं महाराष्ट्र के उस पॉलिटिक्स को कि उस वक्त वहां क्या चल रहा है। आप ये बताएं कि आखिर इस डेडलॉक को कैसे खत्म करेगी बीजेपी या फिर शिवसेना? शिवसेना मानने को तैयार नहीं है। देखिए, किसी ना किसी को एक कदम पीछे हटना पड़ेगा, या तो भारतीय जनता पार्टी को या शिवसेना को। शिवसेना अपनी मांग को लेकर जिस तरह से अड़ी हुई है, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल ये बात हो रही है, जो उद्धव ठाकरे ने भी आज मीटिंग में बात कही कि अगर कॉम्प्रोमाइज ही करना था तो पहले ही दिन हो जाता, 14 दिन इस बात के लिए नहीं लगती। इसलिए ये बात तो साफ है कि शिवसेना का जो स्टैंड है वो क्लियर है, मुख्यमंत्री पद के सिवा चर्चा नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं, तो क्या कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला में अगर शिवसेना को मनाना भी है तो क्या इंपॉर्टेंट खाते छोड़ेगी? क्या गृह जैसा खाता भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार होगी, फाइनेंस जैसा खाता छोड़ने के लिए तैयार होगी, अर्बन डेवलपमेंट जैसा खाता शिवसेना के लिए, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के लिए तैयार होगी? इन सब बातों पर कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक बयान की वजह से बातें पूरी तरह से अड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई, शिवसेना को इस बात को लेकर कोई भी वायदा नहीं किया गया था, इसलिए शिवसेना अभी भी अपने स्टैंड को लेकर बरकरार है। अगर इसको लेकर कोई हल निकलता है उसके बाद में आगे बातचीत होती है तो ही ऑप्शंस के बारे में सोच। बिल्कुल कमलेश, नजर बना रखें, आपसे और जानकारी लेंगे। इस बीच आपको हम बीजेपी और शिवसेना की तरफ से खास करके नितिन गडकरी का क्या कहना है, आइए आपको ये सुनाते हैं। हमारा कदम कुछ नहीं है, जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाएगी। बहुमत दिखाना जरूरी है राज्यपाल को, अगर राज्यपाल के पास आप बहुमत नहीं दिखा सकते तो आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत सिद्ध करने के लिए टेस्ट लेना पड़ेगा ना, बहुमत सिद्ध करने के लिए ये अग्नि परीक्षा है। तो हमारी शुभकामना है आप अग्नि परीक्षा पार कर ले और महाराष्ट्र की स्थिर सरकार। अलायंस को मैंडेट मिला है और जल्दी ही निर्णय होगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारे नेता के रूप में देवेंद्र जी का चयन हुआ है और उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है अलायंस में, उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। आपका नाम भी ले रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, एक तबका ऐसा भी है। मैं अब दिल्ली में हूँ, मुझे महाराष्ट्र में आने का सवाल ही नहीं उठता। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक,
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।